नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। पटना एसटीएफ और मानसी पुलिस ने शनिवार को अलग अलग जगहों पर छापामारी करके 5 हथियार तस्कर को हथियारों के साथ बरामद किया। मैं बताऊं आपको कि खगड़िया जिला अंतर्गत मानसी थाना पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर 5 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। पहली सफलता मानसी रेलवे स्टेशन से एनएच 31 आने वाली पीसीसी सड़क के निकट सुबह पुलिस को मिली। वहां से एसटीएफ और पुलिस मानसी पुलिस ने पटना जिला के खाजे कला थाना अंतर्गत कन्हैया टोला के मोहम्मद आरिफ रजा और मोहम्मद शान को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 6 पिस्टल और 2 मोबाइल बरामद किया गया। वहीं दोपहर फिर कार्रवाई की गई तो मानसी थाना क्षेत्र के बलहा बदला रेलवे गुमटी जाने वाली मुख्य सड़क से मधेपुरा जिला के भवन टेकड़ी गांव के चंदू मंडल मुंगेर जिले के टीकारामपुर निवासी राजेश यादव और कारेलाल यादव को 4 पिस्टल, 7 देसी कट्टा, 100 कारतूस व 3 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार 5 हथियार तस्कर से गहन पूछताछ चल रही है। इधर एसपी अमितेश कुमार ने बताया कि एसटीएफ और स्थानीय पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई में यह सफलता मिली है। मुंगेर से हथियार तस्कर हथियार लाकर भारी मात्रा में यहां वहां व्यापार करते हैं, बेचने ले जाते हैं। इसी क्रम में पुलिस को गुप्त सूचना मिली। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त की और 10 पिस्टल, 7 देसी कट्टे, 100 कारतूस पुलिस ने 5 तस्कर के पास से बरामद किया और गहन पूछताछ जारी है। हथियार व्यापार करने वाले बड़े ही सफाई के साथ हथियार बेचने का कारोबार करते हैं, जिसके कारण बिहार के अन्य कोने कोने में हथियार के कारण ही हत्या, राहजनी, लूट, बलात्कार जैसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं। सरकार को इस हथियार तस्करों पर नकेल कसना अति आवश्यक है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।